नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अरुण, आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर, और एक और नई वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है कि ये भी एक बेसिक वीडियो है बीजीपी से रिलेटेड। इसमें भी मैं आपको नेबर कन्फिगर करना बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपने जो नेबरशिप कन्फिगर करना सीखा है वो है फिजिकल इंटरफेस से, या मैं आपको लूप बैक से बताऊंगा और ये बताता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। बेसिकली नेबरशिप जो बनाई जाती है रियल टाइम या कॉरपोरेट में, अगर आप जहाँ भी जॉब करेंगे या कर भी रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि लूप बैक से ही नेबरशिप बनाई जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले एक डिज़ाइन समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है। एक AS100 है, ठीक है, और इसमें रिप वर्जन 2 चलाया गया है। सभी फिजिकल इंटरफेस को रिप में डाला गया है। यहाँ 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 चार राउटर हैं, R1, R2, R3, R4, और R1 और R3 पर लूप बैक बनाए गए हैं। लूप बैक 0 जो रिप वर्जन 2 में एडवर्टाइज है, लूप 1 जो बीजीपी में डाला जाएगा, ऐसे R3 पर भी लूप 0 रिप वर्जन 2 में है और लूप 1 बीजीपी में डाला जाएगा। यहाँ जो मुझे बीजीपी चलाने की ज़रूरत है वो केवल R1 और R3 पर चलाना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से एक राउटर होगा जो एक AS में जाएगा, और R1 से भी कोई लिंक होगा जो किसी दूसरे AS में जाएगा। R2 से कोई लिंक नहीं है, R4 से कोई लिंक नहीं है, तो मुझे इन पर बीजीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बीजीपी बस मुझे कहाँ चलाना है, मुझे बस यहाँ चलाना है। तो यहाँ मुझे कौन सा चलाना होगा, यहाँ EBGP होगा, यहाँ भी EBGP होगा, और यहाँ IBGP जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस नेबरशिप बताना बता रहा हूँ, ये लूपबैक से नेबरशिप EBGP भी बन सकती है और IBGP बन सकती है, लेकिन यहाँ फायदा क्या है यहाँ देख लीजिए। अब मुझे ये क्या IBGP बनाना है, R3 से एक IBGP रिलेशनशिप बनानी है मुझे R1 की तरफ, ठीक है, ऐसे बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या फॉलो कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ इस वाले इंटरफेस को डायरेक्ट। इधर से IBGP बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BGP में यहाँ IBGP चलाना ही नहीं है। ऐसे BGP नहीं चलाना तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ IBGP बनाइए, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ IP बना सकते हो। BGP नेबर में एक खासियत है कि फिजिकली कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है BGP का, बस जिस जो भी IP हो उस वो रीचेबल यानी पिंगेबल होनी चाहिए। उसे रीचेबल बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ रिप को यूज किया हुआ है। तो TCP कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली जिस IP को आप एज ए नेबर दोगे डिस्कवर करेगा वाया रिप के थ्रू, और आपके BGP नेबरशिप के लिए पाथ प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर नहीं होते इसमें, कोई जरूरी नहीं है, बाकी सभी राउटिंग प्रोटोकॉल से अलग है। तो यहाँ देख लेते हैं, R3 से अगर मैं जनरल फिजिकल इंटरफेस से नेबर बनाता, तो R3 से बनाता इसको, मैं बना सकता था इस वाली IP को नेबर R3 पर जाता, BGP के अंदर जाता और नेबर में मैं किसे दे देता, इस IP को दे देता। ऐसे ही मैं R1 पर जाता, BGP के अंदर जाता R1 में, और ये इस वाली IP को 20.3 को एज ए नेबर दे देता यहाँ पर। तो R1 से R3, R3 से R1 बन जाते, ओपन मैसेज चलते, और सारी स्टेट को पार करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहता, ये IP रीचेबल होती दोनों, तो आपकी BGP नेबरशिप अप हो जाती, लेकिन अप हो जाती और आपका सारा ट्रैफिक चलना शुरू हो जाता। लेकिन हो सकता है कि आपने फिजिकल से बनाया, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप नहीं हो वहां पर, नेटवर्क पर नहीं हो, और रीजन क्या रहा, किसी वजह से ये लिंक डाउन हो गया, ये राउटर फेल हो गया। ये राउटर फेल हो गया तो रिप तो ट्रैफिक को यहाँ से बाईपास कर देगा, क्योंकि तो रिप के पास तो अल्टरनेटिव राउट है। टोपोलॉजी रिडंडेंट है, BGP के लिए भी रिडंडेंट डिजाइन नजर आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, BGP की जो TCP कनेक्टिविटी है वो इस इंटरफेस के साथ है, और ये लिंक डाउन होने से उसका जो लाइन प्रोटोकॉल होगा वो डाउन हो जाएगा। जैसे लाइन प्रोटोकॉल डाउन होगा, TCP की कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी और BGP एडजेसेंसी भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो ये जो IBGP कनेक्शन है डाउन हो जाएगा, और आपका बाहर से आने वाला BGP ट्रैफिक R3 से आगे ही नहीं जा पाएगा, या R1 से आने वाला ट्रैफिक R3 तक नहीं पहुंच पाएगा। और जबकि आप देखें, एक फिजिकल पाथ था, रिप अप है, BGP में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन TCP कनेक्टिविटी डाउन होने से BGP में एरर आ गई है। तो एक अवेलेबल पाथ होते हुए भी आप BGP पर काम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत दिक्कत आ गई है। तो इस तरीके के सिनेरियो में हमेशा प्रेफर किया जाता है कि आप जो नेबरशिप बनाएं वो आप बनाएं किससे, वो आप लूपबैक से बनाएं। तो लूपबैक्स बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान कर रखने वाली बात क्या है कि मैं R3 पर जो नेबर बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा इसको लूपबैक 1 को, और R1 पर जो मैं बनाऊंगा लूपबैक 3 को। यानी कि यहाँ R3 पे अगर मैं बात करूँ तो मैं BGP में जो मेरे नेबर होगा वो होगा neighbor1.1.1.1, और उसका रिमोट होगा 100। और मैं अगर R1 पर बात करता हूँ तो रिमोट नेबर होगा आपका 3.3.3, और क्योंकि इंटरनल BGP है तो रिमोट AS उसका भी 100 होगा, ठीक। यहाँ बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है
कि जिस भी आईपी को आप नेबर बनाओगे, जिस भी लूपबैक आईपी को नेबर बनाओगे, वो बीजीपी के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसे बीजीपी में एज ए नेटवर्क कमांड नहीं डालना है किसी भी तरीके से। वो क्या होने चाहिए, वो पहले से ही पिंगेबल होनी चाहिए, यानी कि आपको उसे वाया आईजीपी, कोई भी आईजीपी रे, पीआईजीआरपी हो, स्टैटिक डिफॉल्ट, कैसे भी करके आपको उसे पिंगेबल बनाना है, क्योंकि तो बीजीपी में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रीचेबिलिटी नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, इस वाले जिस भी आईपी को ऐसे नेवर यूज करने वाले हो, उन्हें बीजीपी से कोई रिलेशन में नहीं डालना, उन्हें सीधा सिंपल आईजीपी में डाल दीजिए और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपको बस उसमें डालना है, ये ध्यान रखने वाला भी आता है, इसलिए मैंने अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बीजीपी में है, क्योंकि इसे मैं बीजीपी राउट में डालूंगा, इसे बीजीपी राउट में डालूंगा। आप नेवर कमांड दोगे और आपके ओपन मैसेज चलेंगे तो बीजीपी ट्रेवल करना शुरू करेगा, और आपका तो आप देखोगे कि बीजीपी नेबर नहीं बना। जी नेबर नहीं बनेगा, क्योंकि अभी इसमें एक और कॉन्फ़िगरेशन कमांड की रिक्वायरमेंट है, ये जो टास्क है अभी आधा है। कौन सी कमांड, अभी क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, बीजीपी नेबर क्यों नहीं बन रहा? आप देखो फिजिकल इंटरफेस होता तो इमीडिएट बन जाता, लेकिन लूपबैक में एक एरर है। वो एरर क्या है, किसी भी राउटर की अगर मैं बात करता हूँ इनमें से, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ R1 पर, और R1 पर मैंने कमांड दी थी नेबर 333 मीन्स, और रिमोट है मैनुअल नेबरशिप दी थी, यानी कि R1 अब नेबर से, इस नेबर 3 से बीजीपी बना सकता है, लेकिन वो कैस कब, जब इस पर किसी बीजीपी के पैकेट्स आए और वो पैकेट किसने ओरिजिनेट किए हों, 333 ने ही किए हों। मीन्स बीजीपी के जो मैसेज आ रहे हैं, वो अब क्या करता है, कोई भी बीजीपी मैसेज जिसे रिसीव होता है R1 को, वो क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या वो नेबर 333 से आया था। अगर वो नेबर 3 से आया होगा तो उस पर डिसीजन देगा और नेबरशिप फॉर्म करने के लिए बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो इस उससे नहीं होगा, इस 333 से नहीं होगा, तो उसको ड्रॉप कर देगा और नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ये ही एक इश्यू हो रहा है, नेबरशिप इसलिए फॉर्म नहीं हो रही क्योंकि जब इसने मैसेज बनाया किसके लिए, आपने यहाँ पर दिया होगा नेबर 1 के लिए, तो इसने नेबर 1 के लिए डेस्टिनेशन एक रखी, नेबर 1.1.1 है भाई, इस पर मैं अपना मैसेज भेज रहा हूँ, ओपन वगैरह जो भी मुझे भेजना है, लेकिन जब मैं भेज रहा हूँ तो सोर्स एड्रेस जो क्या हो रहा है, वो अपने फिजिकल इंटरफेस का डाल रहा है, 30.0.0.3 या 20.3, ये डालकर इसे भेज देता है। यहाँ पर क्या होता है, ये उसे चेक करता है, जो मैंने बताया कि सोर्स एड्रेस जो है 3 होना चाहिए, लेकिन वो निकलता 330 है, तो ये एक एरर की वजह से ये इसे ड्रॉप कर देता है, और इस 30 नाम का कोई नेबर की कमांड आपने इसमें डाली नहीं है। अब ये ऐसा हुआ क्यों, होता क्या है कि ये राउटर का डिफॉल्ट बिहेवियर है, राउटर कभी भी लूपबैक इंटरफेस की कन्फिगर्ड आईपी एड्रेस को एज ए सोर्स आईपी नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये वर्चुअल इंटरफेस है, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो राउटर की भाषा में बात करें तो राउटर कभी भी किसी वर्चुअल इंटरफेस की आईपी को किसी भी पैकेट में ट्रैवल कराते हुए या फॉरवर्ड करते समय या ओरिजिनेट करते समय अपनी आईपी एज ए सोर्स आईपी नहीं डाल सकता, तो वो किसी ना किसी फिजिकल इंटरफेस को, वेरी फर्स्ट इंटरफेस को जनरली वो आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस उठा लेता है। मैनुअली आप फोर्सफुली तो इस आईपी एड्रेस को पैकेट में एज ए सोर्स डाल सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट बिहेवियर में नहीं डालेगा, तो डिफॉल्ट में नहीं डालेगा, ये आईपी एज ए सोर्स जाएगी नहीं, और बीजीपी को यहाँ पर वो रिसीव होगी नहीं, नेबरशिप फॉर्म नहीं हो पा रही, पैकेट तो ट्रेवल कर रहा है, आईपी पिंगेबल है तो भी। तो उसमें क्या करना होगा, मुझे फोर्सफुली, मैं इस बीजीपी को कहूंगा कि भाई जब आप यहाँ पर पैकेट डालोगे तो डेस्टिनेशन तो ठीक है, 1.1.1 है, इस नेबर के लिए डालना है, तो सोर्स में क्या डालना है, जब भी आप डालोगे तो इस लूपबैक पे जो आईपी पड़ी होगी उसे डाल देना, ठीक है, या कह देना, ये कहना है कि इस लूप 0 पे जो भी आईपी है उसे इसमें एज ए सोर्स इंसर्ट कीजिए और भेज दीजिए। तो ऐसा करने के लिए आपको एक और एक्स्ट्रा कमांड देनी होगी, वो कमांड क्या है, वो है नेबर, इस पर आप आ जाएंगे, वो है राउटर बीजीपी में जो भी आप कमांड लगाओगे, नेबर मेन कमांड तो है ही, नेबर 1.1.1.1, और रिमोट, अभी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ आपको इसकी, और उसके बाद एक कमांड और लगानी है नेबर 1.1.1 की तरफ, आप जब एपेडगेट डालो तो उसमें जो सोर्स है उसे अपडेट करना, कमांड है अपडेट सोर्स, ठीक है, कमांड अपने बारे में कहती है सब, अपडेट सोर्स, अपडेट सोर्स क्या करना है, लूपबैक इंटरफेस जो है उस पर, कौन सा लूपबैक, 0, उस पर जो भी आईपी पड़ी हो उसे डाल देना और भेज देना। तो ये कमांड है नेबर, नेबर की आईपी, नेबर है मेरा 1.1, अपडेट सोर्स करो, उसके सोर्स को अपडेट करना किससे, कि ये जो लूपबैक 0 पे जो भी आईपी पड़ी हुई है उसे डाल देना और भेज देना। तो इस तरीके से क्या होगा,
अब जो ये बीजेपी अपडेट बनाएगा इस कमांड के लगने के बाद, वो उसमें सोर्स आईपी लूपबैक 0 को फाइंड करेगा इस कमांड के थ्रू, और देखेगा 338 डाल देगा और यहाँ चले जाएगा। ये अपडेट चेक करेगा, ये देखेगा कि यूजर ने कॉन्फ़िगरेशन में क्या डाला है, नेबर 33 लिखा है और सोर्स में भी आया है, अब ओके है सारी कॉन्फ़िगरेशन। यही काम आपको अपडेट सोर्स यहाँ भी लगाना है, और आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका नेटवर्क अप हो जाएगा, ठीक है, और नेबरशिप अप हो जाएगी। अब चाहे नेटवर्क डाउन हो तो होगा क्या कि 1.1 पर रिप पर जाने के लिए दूसरा रास्ता है, इधर से चला जाएगा, ठीक है, ये नेटवर्क अप है, और अगर ये डाउन हो गया तो रिप के पास 1.1 पर जाने के लिए इधर से रास्ता इधर से चला जाएगा। तो जो आईजीपी की रिडंडेंसी बिहेवियर है उसका फायदा बीजेपी उठाएगा, क्योंकि लूपबैक हमेशा रीचेबल है, इसलिए मैंने आईजीपी में इसे डालने के लिए बोला है, क्योंकि इसकी रिडंडेंसी के लिए, इस नेटवर्क की रिडंडेंसी के लिए आईजीपी अपने बिहेव पर काम करेगा, और आपका बीजेपी जो आईजीपी ने पाथ लिया होगा उसी को फॉलो करता रहेगा, और नेटवर्क कभी भी डाउन नहीं होगा। दोनों ही राउटर फेल हो जाए तभी उस सिचुएशन में आपकी टेपोलॉजी डाउन होगी या बीजेपी रिलेशनशिप डाउन होगी, अदरवाइज लूपबैक से करने से कभी भी डाउन नहीं होगी। तो ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है और इसी को फॉलो कीजिएगा। अभी जरा आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, चलिए। तो ये वही टोपोलॉजी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में मैं दिखा देता हूँ आपको। इंटीरियर गेटवे में रिप लगाया हुआ है, और R1 R3 पर ही हम लोग नेबरशिप बनाने वाले हैं बीजेपी की। तो R1 पर आप देख लीजिए रिप का राउट है, 3 वाला नेटवर्क रिप से लर्न हो रहा है, रीचेबल है, तो एक बार पिंग देख लीजिए, ठीक है। ऐसा ही अगर आप देखेंगे R3 पर तो उसमें भी राउट आप देखें 1 का रीचेबल है रिप से, रिप दिखाई दे रहा है आपको, और इसे भी पिंग कर लेते हैं, डू पिंग 1.1.1, ठीक है, रीचेबल है, बीजीपी लगा देते हैं, राउटर बीजीपी 100, और मुझे नेबर बनाना है यहाँ से 1.1.1.1, R3 है तो R1 को बनाऊंगा, और रिमोट AS देता हूँ उसका 100, ठीक है। ऐसे ही R1 पर आ जाता हूँ, राउटर बीजीपी 100, और नेबर बनाना है मुझे 3 वाला नेटवर्क, ये वाला, ठीक है, 3.3.3, और रिमोट दे देता हूँ इसका 100। IBGP बनाया है, लेकिन आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बीजेपी की स्टेट एक्टिव ही आ रही है, ठीक है, और एक्टिव ही रहेगा। TCP में सोर्स मिसमैच हो रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका सॉल्यूशन लगा देते हैं, और ये ऐसा ही रहेगा, आप जो कितने भी समय तक देखें TCP बार बार ट्राई करता है लेकिन सोर्स मिसमैच हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लगाना है, नेबर ये है R1 3.3.3 पर, जब मैं अपडेट भेजूं कोई भी पैकेट भेजूं बीजेपी का, तो उसका अपडेट सोर्स में, अपडेट में सोर्स आईपी में मैं अपडेट कर दूं क्या जो मेरे इंटरफेस लूपबैक 0 की आईपी है वो एज ए सोर्स जाए। सेम काम मुझे यहां पर करना है, R3 में भी जाना है, नेबर 1.1.1.1 पर अपडेट हो सोर्स जो इंटरफेस, सॉरी जो लूप 0 पर हो, ठीक है। अब सब कुछ ठीक कर दे, आप देखेंगे नेबरशिप अप हो जाएगी, नेटवर्क भी डाल देते हैं, नेटवर्क आपका डाल देते हैं, इसमें बनाया था मैंने, ये कौन सा R3, तो ये था 33.0.0.0, और R1 पे था नेटवर्क 11। नेटवर्क कमांड कैसे डाले जाती है, राउट कैसे एडवर्टाइज किया जाता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बीजीपी में जो राउटिंग टेबल बनती है बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपको समझ में आएगा, फिलहाल सिंपल नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट है। अब यहाँ देखें नेबरशिप अप हो गई है, एडजेसेंसी बन गई है, तो डू शो आईपी बीजीपी समरी, समरी में देख लेता हूँ नेबरशिप की, और आप यहाँ देखें स्टेट अप हो गई है, और प्रीफिक्स इस कमांड में ये नेबर है 333, इसका वर्जन 4 है, AS 100 है, मैसेज 4 रिसीव किए सेंड किए, स्टेट अप हो गई है, कोई भी नंबर दिखता है, यानी कि सही एक राउट मिल गया था, प्रीफिक्स रिसीव्ड है, तभी नेबरशिप अप हुई है तभी ये राउट आए। टू शो आईपी राउट देख लीजिए, तो एक बीजीपी का राउट आपको नजर आने लगेगा, ये बी से बीजीपी है, ठीक है, 33.00, और रिप का राउट है 3। तो इस तरीके से आप अपने लूपबैक से नेबरशिप बना सकते हैं, और आपकी एडजेसेंसी अब, और एक बात और ध्यान रख लीजिए, इंटरनल बीजीपी में लोड शेयरिंग नहीं होती, रिडंडेंट डिजाइन आपको दिख रहा है लेकिन किसी तरीके से आप लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकते। हाँ, एक्सटर्नल बीजीपी में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मैक्सिमम पाथ वगैरह से आप एक्सटर्नल बीजीपी में लोड शेयरिंग की जा सकती है लेकिन इंटरनल बीजीपी में नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये इंटरनल बीजीपी को लूप बैक से नेबरशिप बनाने वाली बात थी, ये मैंने इस वीडियो में समझाई। एक्सटर्नल बीजीपी नेबर्स को लूप बैक से कैसे बनाएंगे उसके लिए भी एक बहुत
5 मिनट का वीडियो है, वो मैं भी बनाकर शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो ये बेसिक नेबरशिप हमारी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद चले गए एडवांस वीडियोस पर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद और थैंक यू सो मच।